सिंह राशि के सभी जातकों को ध्यान रखना चाहिए। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप में फलदायक रहने वाला है। आप अपने संतान से कोई नया समाचार मिल सकती है। आप अपने माता के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना होगा, नहीं तो बीच में व्यवधान या बाधा आ सकती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी विवाद भी पनप सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हैं तो जल्द से खरीद लें, नहीं तो उसमें बाधा पड़ने वाली है, इसलिए सावधान हो जाएं, कार्य को छोड़े ना कर डालें। आपका करियर कैसा है, आपका बिजनेस कैसा इस सप्ताह में होने वाला है, ध्यान दिए। इस सप्ताह आप कार्य क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा रहेगा। संकेत हो रहा है कि आपको लाभ मिलने वाला है, छात्रों को भी सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा ध्यान दें, किसी प्रकार का उन्माद ना करें, पूरी उम्मीद रहेगा और एक प्रकार के सुख भी प्राप्त होगा। अवसर मिल सकता है किसी प्रकार का, जैसे आपके अधिकारी आपका मिल सकता है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता है। आपके अवसर मिला करके जो भी लोग हैं, जैसे अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो भी मिल करके आपको लाभ दे सकते हैं। बिजनेस में आपको लाभ प्राप्त होगा, उनके व्यापार तेजी से वृद्धि हो सकती है। कैसे, अनेक प्रकार के चीज़ों में व्यापार करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी कर रहे लोगों को नौकरी में प्रमोशन भी मिलने की संभावना बन रही है। थोड़ा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्रोध ना करें अपने अफसर से। आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, आपको परिवार की ओर से सहयोग प्राप्त होगा, माता से प्रेम और वित्तीय आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। करीबी व्यक्तियों की सेहत में गिरावट होने से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। परिवारजन के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। आपको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए और मन भाव प्रेम से निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छेद न भावा। यदि माता पिता का हृदय से शुद्ध होकर पूजा करोगे तो सफलता आपको प्राप्त जरूर होगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला यह सप्ताह, इस सप्ताह आप अपने सेहत के प्रति किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल न बरतें, क्योंकि आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शरीर में कई प्रकार के नवीन ऊर्जा संचार आपको प्राप्त होगा। आपको योग ध्यान की क्रिया अपनाने की आवश्यकता है। आपको किसी के साथ फिजूल की बहस में ना पड़ने की आवश्यकता है। आप ध्यान दीजिए, सावधान रहिए। आपके लकी तारीख 15, 17 और 19 है। कलर आपके लिए नीला, उजाला और मेहरून है और आपका लकी दिन बुधवार, गुरुवार और रविवार है। ध्यान से सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। सावधान रहिए, किसी भी समस्या के समय आपको धीरज से काम लेना चाहिए। सावधान पूर्वक कार्य जब करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। उपाय, इस सप्ताह आप माता दुर्गा की उपासना करें जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाती रहे। जय श्री राम, जय सीताराम। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।